महाकुंभ 2025 की तैयारियां शासन प्रशासन एवं पुलिस द्वारा पूर्व में ही शुरुआत उसकी की जा चुकी है। आज उसी क्रम में यहां मेला क्षेत्र में जो पुलिस लाइन स्थापित की जानी है उसका भूमि पूजन किया गया है और ये एक महत्वपूर्ण दिन है। हम जिसमें जिस दिन हमने ईश्वर को कामना की है, सभी संत महात्मागण जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो माननीय महंतगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबका आशीर्वाद दिया है और ईश्वर से कामना की है कि जो आगामी महाकुंभ 2025 हमारा होगा उसमें हम अपनी ड्यूटियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से कर सकें और सारी तैयारियां इस प्रकार कर सकें कि जो मेला है वो सकुशल शांतिपूर्वक और सुगमता से सभी श्रद्धालुओं के लिए पिलग्रिम्स के लिए संपन्न कराया जा सके। सुरक्षा का क्या तैयारी की गई है? तुलना में ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, किस तरह से पुलिस फोर्स का एलोकेशन किया जाएगा, कितने थाने चौकियाँ फायर स्टेशन बस टावर बनेंगे, क्या तैयारी है पूरी? देखिए, पिछले कुंभ मेला जो 2019 में हुआ था उसके सापेक्ष में बहुत चीज़ों की वृद्धि हुई है। श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, घाट की वृद्धि हुई है और पार्किंग एरियाज, होल्डिंग एरियाज, सभी चीज़ों में वृद्धि हुई है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हमने फोर्स का आंकलन किया है। प्रति ड्यूटी क्षेत्र में हर पॉइंट पे क्या क्या बल हमें लगाना पड़ेगा उसका आंकलन करके उसी के अनुसार ड्यूटियों को निर्वहन किया जाएगा। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी पुलिस बल को दी जाएगी ताकि वो श्रद्धालुओं से अच्छा बर्ताव कर सकें और श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक अपना यहाँ पर आना और संगम में स्नान करने की कार्रवाई वो पूरी तरह से कर चुके हैं, सुगमतापूर्वक कर सकें। इस प्रकार हम पुलिस बल की स्थापना कर रहे हैं कि हम हर पहलू का ध्यान रख सकें, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो श्रद्धालुओं की सुगमता हो, तो इन सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए पुलिस बल को तैनात इस बार किया जा रहा है। AI का प्रयोग किया जा रहा है भीड़ का आकलन करने के लिए, कहीं बैरियर ब्रीच होता है उसका आकलन करने के लिए, कितने वाहन आसपास के जनपदों सर यहाँ पर आते हैं, किस प्रकार के वाहन आते हैं, कितनी संख्या में आते हैं, उनमें कितने लोग बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ें AI के माध्यम से भी आंकलित की जाएंगी और जो ज़मीनी लेवल पे ग्राउंड स्थिति होगी उसको AI से हम कोलैबोरेट करते हुए उस प्रकार अपनी रिस्पॉन्स स्कीम्स क्रियान्वयन करेंगे। किसी तरह के ऐसी स्थितियों में किस तरह से तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर रहेंगी जो खुफिया काम करेंगी, किसी तरह की सब सकुशल जा सके? देखिए, जो मेला प्राधिकरण है उसके अलावा जो पुलिस बल यहाँ पर है, चाहे वो मेला क्षेत्र में हो, चाहे वो सिटी क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे पुलिस बल हो, उनको सहयोग सेंट्रल एजेंसी से भी रहेगा। NDRF की टीमें यहाँ पर रहेंगी जो किसी भी आपदा को डील करने के लिए सक्षम है। हमारे SDRF है वो भी अपना योगदान देगा। उसके अलावा जो अन्य UP पुलिस की एजेंसीज़ हैं, ATS है, STF है, सब लोग अपना योगदान इसमें देंगे ताकि हम जो हमारा दायित्व है उसको शांतिपूर्वक उसका निर्वहन कर सकें।